like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. Acting, bro, acting. Assalamualaikum भाइयों, उम्मीद है कि सब लोग कह रहे होंगे। अभी मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे पिछले व्लॉग में सब लोग कह रहे थे कि ताहिर भाई आप माइक ले लो यार, मोबाइल से वैसे शुरू में मैं बनाता ना, बिना माइक के मैं बनाता था वीडियोज़, जो भी होती नहीं बोलता तो मैं सही हूँ। पता नहीं क्यों लोग कह रहे थे माइक, पता नहीं क्यों। मेरी अम्मी व्लॉग्स मेरे देखती हैं तो वो भी देख रही थी, मुझे बोल रही थी कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, वो लोग कह रहे हैं कि माइक की कमी है। तो यार वो रोड वाला जो माइक है ना, वो अगर इसमें मैं अटैच करूँगा ना इस जगह पे, जैसे भी रोड है बराबर में और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो वो मज़ा नहीं करेगा। अभी डायरेक्ट आपको आवाज़ आ रही है तो शायद इशू हो, या तो ऐसे होता है मेरे पास S9, इसमें दो स्पीकर्स हैं, एक यहाँ पर है एक नीचे, तो मैं जब एडिट वगैरह भी करता हूँ, खुद भी सुनता हूँ बिना एयरफोन्स के, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, हर सुबह को रोज़ करता हूँ, लेकिन अभी तो 3:30 बज रहे दिन के, क्योंकि जुम्मा था, जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा था। खाना खाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फिर निकलना है मुझे हैदराबाद। और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने सबके साथ शेयर कर दिया है, अगर आपके पास नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन खोले से ऊपर व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा, तो आपको जो भी मालूम पूछनी है जितनी मुझे पता होगी मैं आपको बताऊँगा। बाकी सब बढ़िया, ये छन छन ये दूसरी चाबी है ना, तालों वालों की। इसलिए वैसे तो जिस बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ उसकी मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, टिप्स कार टिप्स के नाम से, वो ऐसे ही मछली में बनाई थी, ऐसी ही गाड़ी थी मेरे पास। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, मतलब जैसे ये लिफाफा है मेरे पास, होंडा लिफाफा, तो उसका बॉनट खोलें, पानी ऑयल चेक करें कि ओके है या नहीं है, और बाकी सब बढ़िया। भाई जब भी आप गाड़ी साफ़ करें ना, ये कपड़े को हल्का सा गीला रखें ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाएगी। सूखे हुए कपड़े से कभी भी गाड़ी साफ़ नहीं होगी, और ख़ास करके धूप में खड़ी होगी तो और भी मसला करेगी, निशान भी पड़ सकते हैं इस कपड़े से। इसको अभी मैं गीला करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपसे हैदराबाद में मिलते हैं। अभी रात के 10 बज रहे और मैं हूँ हैदराबाद में, अभी वीडियो एडिट कर लिए मैंने, इसलिए मैं फारिग नहीं था, तो इसलिए कोई ब्लॉगिंग भी नहीं की। वीडियो एडिटिंग का मैं सोचा था कि बताऊं सबको कि कैसे होती है क्या होती, लेकिन इंशाल्लाह कभी समय है ना अगले किसी। अभी जो है मैं आपको पता है हैदराबाद में अपना ठिकाना मोहसिन अली वन, तो वहाँ जाऊँगा। वीडियो एडिट हो गई, अभी अपलोड करने के लिए उसको लगा है। हैदराबाद में नेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई लगा, वेस्टर्न फाइबर, तो वो मिनटों में अपलोड होगी। 5 मिनट की वीडियो आपने शायद देखी भी होगी, क्योंकि ये व्लॉग तो बाद में आएगा, वो वीडियो पहले आएगी, तो यहाँ पे आ रही होगी वीडियो जो टेक की मैंने बनाई है। ये भी एक शौक है मुझे, शुरू से ये भी होता था कि मतलब कोई किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊँ या क्या ऐसा कुछ होगा, तो मेरा दोस्त है पवन कुमार, जिनकी शॉप पे जो मुझे ये देते हैं अनबॉक्सिंग के लिए, मैंने इनको कहा था कि यार रिक्वेस्ट की थी कि यार ये कोई चीज़ कोई नई आई हो, कोई एयरबड्स हो, कोई एयरपोर्ट हो, तो आप मुझे देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं देंगे, वो साथ ही पढ़े मेरे, तो थैंक यू पवन, आपने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मोहसिन के पास आपको याद होगा इससे पहले 2 ब्लॉग्स जो मैंने बनाए उसमें एक गाड़ी का जिक्र हो रहा था, मतलब एक एक बार जिक्र हुआ था या दो दो बार कि एक बंदे ने कहा है गाड़ी का रिव्यू करने के लिए, और दूसरे ब्लॉग में जिक्र हुआ कि वो कह रहा है कि मैं बेच रहा हूँ इसलिए कोई मैं मतलब नहीं होगा उसका रिव्यू। आज तीसरा व्लॉग है इसमें इन्होंने मुझे क्या कहते हैं कहा कि आप आएँ और मेरी गाड़ी का रिव्यू करें, क्योंकि गाड़ी सेल मतलब तब नहीं हुई तो आप रिव्यू करें गाड़ी का, तो अभी मुझे उन्होंने गाड़ी दे दी है खुद, उन्होंने एतबार किया है मुझ पर, थैंक यू भाई। और क्या कहते हैं तो अभी जा रहा हूँ मैं जहाँ पर मैं रिव्यूज़ करता हूँ, पहले भी XUO का मैंने किया था हैदराबाद में, वहाँ मैं करने जा रहा हूँ। और बस उम्मीद है कि आपने तो देख लिया होगा बाद में आएगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी 5:19 हो रहे हैं अभी शाम के, और रिव्यू जो है वो पूरा शूट हो गया है कंप्लीट जो आपने देखा था, और 0 to 100 करने के लिए मैं हाईवे पे निकला हूँ ऊपर, अभी टर्न नीचे यू टर्न करके मैं वापस जाऊँगा नीचे,
और फ्लेट पे जाने के बाद मैं करूँगा इसको एडिट, तो उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। फ्लेट पे नहीं जाऊंगा, पहले गाड़ी उनको दूंगा और बाइक वहां से लूंगा, फिर जाऊंगा फ्लेट पे। जिनकी गाड़ी उन्होंने ना मुझे कहा कि आप जल्द से जल्द रिव्यू अपलोड करें, तो भाई एडिट ही करा था तो शहर में काम है, वहां जाएंगे। गाड़ी मेरी अंदर खड़ी हुई है, मैं जाऊंगा बाइक पे। हैदराबाद में बाइक में मज़ा ही अपना है। एडिटिंग करते करते तकरीबन रात के 4 बज गए थे, तो उसके बाद 4 बजे ही मैंने उसको एडिट किया। हैदराबाद में नेट तेज़ था तो उधर ही अपलोड किया। 5 मिनट में अपलोड हुआ, वो 1 GB या 2 GB फाइल थी, अपलोड हुआ। और सुबह उसको मैंने लगा दिया कि 1 बजे हो जाए, मैं तो सोया हुआ था, खुद ही फिर 1 बजे हो गया था। एक और स्टोरी आपको थोड़ी सी बता रहा, स्टोरी मतलब आपके काम की चीज़ें, मतलब जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं मोबाइल से, वो शूट करते हैं मोबाइल पे, वो एडिट करते हैं, तो उनके लिए एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो वो इन्फॉर्मेशन ही है, खैर आपको बताता हूँ। सीन हुआ कि मैंने कुछ दिन पहले अपने दोस्त से कैमरा लिया, DSLR, उसके बाद कैनन 1200D, तो उसमें मैनुअल फोकस था पूरा, सही है, वीडियो तो अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, उसमें 50mm का वो लेंस भी लगा हुआ था। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने पूरी वीडियो से बना ली थी, जब मोबाइल में जब वो फाइल डाली तो पावर डायरेक्टर में वो शो ही नहीं हो रही थी। फिर पता चला कि इसकी जो फाइल है वो पावर डायरेक्टर सपोर्ट करता ही नहीं है। तो आप भी अगर मेरी तरह से सोच रहे हैं कि मैं DSLR लूँगा, उसको शूटिंग वूटिंग करके आऊँगा, उससे फिर इसमें मोबाइल से एडिट करूँगा, मोबाइल में डाल के, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो फाइल है वो पावर डायरेक्टर सपोर्ट नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों नहीं कर सकता, वही होगा वही चक्कर। उसके लिए आपको PC लेना पड़ेगा, उसमें फिर आप फाइल डालें, बाकी सब बड़े। मैंने सोचा ये थोड़ा सा शेयर कर दूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस मतलब था इस चीज़ में। ये था ब्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में, ब्लॉग में। शुक्रिया।